एक दिन हम संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियों से सारे संसार को आश्चर्य में डाल देंगे, तुम देखना। You're a dreamer. A romantic. No. A visionary. हाँ क्लारा, मैं स्वप्नदर्शी हूँ, मैं रोमांटिक हूँ। रूस जैसे एक महान देश को बिना स्वप्नदर्शी और रोमांटिक हुए भला कोई क्रांति की शुरुआत कैसे कर सकता है? मैं यकीन करना चाहता हूं कि जीत हमारी ही होगी। और तुम देखना, जब हम कामयाब हो जाएंगे तब लोग ठीक तरह से समझ पाएंगे कि बोल्शेविक इस देश के लिए क्या क्या कर सकने में समर्थ थे। मैं चाहूंगा लोग 1920 के इस भूखे और सर्द सालों को याद करें। पछतावा है तो बस ये कि उन विस्मय का ही दिनों को देख पाने का हम में से किसी को भी सौभाग्य नहीं होगा। yes. खैर, क्या होता है क्लारा, जश्न मनाओ। हम लोग पिछले जमाने के बूढ़े लोग भी हुए तो क्या हुआ, हमारे अंदर इंकलाब की जवान आग तो अब तक बरकरार है। बोलो जिया, रीगा से फोन है। प्लीज एक्सक्यूज मी। एक कप चाय लोगे? थैंक यू। जॉन रीड ने इनके बारे में कितना सही कहा है, अ स्ट्रेंज पॉपुलर लीडर, अ लीडर प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ इंटेलेक्ट। और अब पोलैंड की शांति शर्तें। क्या शर्तें बहुत मुश्किल हैं? हमारे लिए मुश्किल हैं, उनके लिए आसान है। और आपका क्या फैसला है? इसका फैसला तो सेंट्रल कमेटी के हाथों में होगा क्लारा, यह फैसला आसान नहीं होगा। मुझे एक और जोरदार लड़ाई अपने कामरेडों के साथ लड़नी होगी, जैसी ब्रेस्ट लिथुवेनिया समझौते के दौरान जर्मनों से लड़नी पड़ी थी। हम लोग किसी तरह से सर्दियां निकाल देंगे, लेकिन रंगल से मुकाबला अभी बाकी है। इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम रूसी जनता को बिना किसी सख्त जरूरत के एक और युद्ध में झोंक सकते हैं, उसका आतंक झेलने के लिए? हमारे लोगों ने हालांकि ऐसी बदहालियां खूब झेली हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। हम लोग 1914 से लगातार युद्ध में हैं, और अब फिर चले जाएं, फिर से लड़ाई के मोर्चों पर, फिर से भूखे रहें, फिर से मौत की बर्फ में जम जाएं? युद्ध की भयावहताओं का ख्याल ही मेरे लिए असहनीय हो जाता है। जाने वाले सिपाही से पूछो Oh,